हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मत्स्य सृष्टि। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लैटी फिश के बारे में बताऊंगा। प्लैटी फिश ये एक बेस्ट फिश है फॉर बिगनर्स, बिकॉज ये टाइप की फिशेस बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, सो पानी ज़्यादा मैटर नहीं करता और ये बहुत ही कलरफुल होती हैं। प्लैटी फिश के हैबिटेट के बारे में बताऊँ तो ये प्लांटेशन ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और प्लांटेशन के साथ साथ तैरने के लिए ज़्यादा स्पेस मिले तो प्लैटी सेट हो जाती है टैंक में ईजिली। हाइट की बात करूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 inches की होगी, और खाने में ये सब कुछ खाती है जैसे कि फ्लेक्स, एब्रिडेड फूड, फ्रोजन लाइव फूड्स, ब्लड वॉर्म्स एक्सेट्रा। और मेन बात, प्लैटी टैंक में बहुत ही शांत रहिए अगर पावर फिल्ट्रेशन का पावर बहुत ज़्यादा है, सो इसको कम पावरफुल फिल्ट्रेशन लगता है। बेसिकली ये फिशेस लाइफ बियरर होती हैं, मीन्स ऐसी फिशेस जो डायरेक्ट बेबीज दे, अदरवाइज फिशेस एग्स ही देती हैं। ये फिशेस का हम आसानी से ब्रीड करा सकते हैं टैंक में, अगर 2 फीमेल के लिए 1 मेल तो ब्रीडिंग अच्छे से होगा, अदरवाइज इनके बीच में फाइट होगा। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें रेड टॉक्सिडो प्लैटी है, वो बेसिकली अगर इसको हम लोग ग्रुप में रखेंगे तो इसकी येलो लाइनिंग ग्लो के आती है लाइट में। टाइगर पैटर्न प्लैटी, इसका नाम ऐसा है बिकॉज इसका पैटर्न टाइगर की ब्लैक स्ट्रिप्स जैसा है, इसलिए हम लोग इसको टाइगर पैटर्न प्लैटी बोलते हैं। बम्बल बी, ये बहुत ही पीसफुल होती है, और इस वीडियो में टैबलेटेड फूड खाते हुए मैंने दिखाया है। हमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स में मिलेगा, जैसे कि रेड टॉक्सिडो प्लैटी, बम्बल बी प्लैटी, टाइगर पैटर्न प्लैटी एंड नॉर्मल क्वालिटी वाली प्लैटीज भी आपको मिल जाएगी। सो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक प्लैटी का सेटअप करने के लिए। अगर प्लैटी फिश के कलर में और निखार पाना चाहते हो तो आप लोगों को उसको हाई क्वालिटी वाला पैलेट्स खिलाना होगा। अगर प्लैटी फिश अपने टैंक में सेट करना चाहते हो तो फीमेल्स की भी क्वांटिटी ज़्यादा रखना, अदरवाइज फाइटिंग होगी आपस में। हाँ, अगर अलॉन्ग विथ प्लैटी और भी कोई फिश ऐड करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट अवॉइड ही करना, बिकॉज ऐसा किया तो प्लैटी फिश कोई कोने में छुप के रहेगी डरी डरी सी। सो आपके टैंक में प्लैटी का रहना ना रहना एक ही बात होगा, सो मोस्टली अवॉइड ही करना कि दूसरी फिश कोई साथ में रहे। अभी ब्लैकटेल प्लैटी, ब्लैकटेल इसलिए इसको बोलते हैं बिकॉज इसकी टेल जो लास्ट में जो टेल है राउंडेड शेप में वो पूरी ब्लैक होती है, इसलिए इसको ब्लैकटेल प्लैटी बोलते हैं। और ये छोटा सा क्रिएटिविटी विथ रेड टॉक्सिडो प्लैटी इन ग्लास फॉर बेटर कैमरा एंगल। एंड प्लीज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।